नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो टोटली बहुत ही नई वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाड़ी जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है द ऑल न्यू टोयोटा यारिस। वैसे टोयोटा तो जापानीज कंपनी है और ये गाड़ी जो यारिस है जो 2018 में इंडिया में लॉन्च की गई है, ऑलरेडी 1999 में जापानीज मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च कर दी गई थी। यारिस के बारे में मैं आपको कई सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में देने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, और एट लास्ट मैं आपको और भी चीज़ें जैसे हर वेरिएंट का बताने वाला हूं, किस वेरिएंट में आपको कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको कौन सा वाला ऑटोमेटिक मिलने वाला है, इंजन कौन सा मिलने वाला है, पेट्रोल डीजल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है एक नहीं आ रहा है। हालांकि बता दूं मैं आपको, डीजल इंजन इस गाड़ी में अवेलेबल अभी तो नहीं कराया टोयोटा ने, तो कोई भी कारण हो सकता है। हालांकि ऑटोमेटिक जो है वो हर वेरिएंट के साथ आपको मिलता है। तो बस करते हैं वीडियो को शुरू और मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, ऑटोमेटिक वेरिएंट कौन कौन से आने वाले हैं, मैनुअल वेरिएंट कौन कौन से हैं, कौन सी में कितनी प्राइस रेंज का आपको जो है डिफरेंस मिलने वाला है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स जो देने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि यारिस जो है भारतीय बाज़ार में ऑटो एक्सपो के दौरान हमें इंडिया में शोकेस की गई थी, ऑटो एक्सपो 2018 में। जब से कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटो एक्सपो में यारिस के स्टॉल पे हमें कई सारी यारिस जो है देखने को मिली थी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही इस चैनल को, नीचे लाल कलर का बटन है उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हमारी वीडियो को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी सुझाव है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको जो है यहाँ पर दिख रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमें इंस्टा ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, तो उन सब की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो यारिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यारिस की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी जो दिल्ली की प्राइस के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि कितने वैल्यू और कितनी रेंज में ये प्राइस में लाई करती है। ये प्राइस में लाई करती है 8.75 से लेकर के 14.07 लाख तक जाती है। हालांकि टॉप एंड जो वेरिएंट है वो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यारिस में बैठने के बाद आपको एकदम मिनी कोरोला जो है उसकी, जो टोयोटा की एक लेवल अप जो कार है टोयोटा की कोरोला एल्टिस, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसी का मुझे जो है उसका मिनी वर्जन जो है आपको यारिस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यारिस जो है काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि 7 स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ आती है, जिसमें 6 एयरबैग्स के साथ साथ आपको नी एयरबैग जो है कंपनी ऐड करती है, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जो टाटा मोटर्स का खुद का डेवलप किया हुआ है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यारिस में देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं गाड़ी के माइलेज के ऊपर। माइलेज में ये गाड़ी पेट्रोल में आपको 17.80 का जो कंपनी क्लेम कर रही है, लगभग 18 का जो है माइलेज जो कंपनी ने बताया है। साथ ही साथ ये गाड़ी केवल और केवल एक ही इंजन के साथ आने वाली है, वो है पेट्रोल का 1496 सीसी का। ये इंजन आपको लगभग 105.5 BHP का जो है पावर देता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स मिलता है, मतलब जो ऑटोमेटिक जो वर्जन है उसमें आपको 7 स्पीड जो है आपको CVT गियरबॉक्स अवेलेबल कंपनी कराती है। साथ ही साथ इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो है लगभग 42 लीटर्स की। ट्रांसमिशन आपको दोनों मिलते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल जो आपको चाहिए वो। रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं गाड़ी में। सिटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी बूट की बताने वाला हूँ। बूट इसका 476 लीटर का है। सेफ्टी में आपको ABS, ड्राइवर एयरबैग, पार्किंग सेंसर और बाकी सारे जो मैंने आपको बताया 7 एयरबैग्स वाला जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा आपको एज स्टैंडर्ड मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। तो करते हैं वेरिएंट्स के बारे में बात। यारिस में आपको कई सारे वेरिएंट्स जो हैं अवेलेबल कंपनी कराती है। कंपनी उन वेरिएंट्स को कहती है जे वेरिएंट में आपको आता है JCVT वेरिएंट, और दोनों के लगभग 1,20,000 का जो है प्राइस डिफरेंस आता है CVT और मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर बॉक्स में। तो बस आप एज स्टैंडर्ड समझ लीजिए, और स्क्रीन पर इस वेरिएंट्स को समझाने के बाद आपको प्राइस वाली लिस्ट की एक दे दूंगा, तो आप उसको प्योर्स करके देख सकते हैं कितना क्या वेरिएंट में जो डिफरेंस है दिल्ली वाली प्राइस से, तो वो आप जो है देख सकते हैं। करते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स की बात। यारिस में आपको कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जे में CVT, जी में CVT, वी में CVT
और एक टॉप एंड वेरिएंट है VX, VX में भी आपको जो है CVT कंपनी अवेलेबल कराती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें प्राइस डिफरेंस जो आने वाला है वो आता है लगभग 1,20,000 का ईच हेड में आता है आपको, और बस यही डिफरेंस है। तो वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन पर आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा कौन से वेरिएंट में थोड़ा बहुत अंतर होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी के कुछ और सेफ्टी पैरामीटर्स और कुछ पैरामीटर्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें वो ये है। वैसे एक नज़र में आप देख सकते हैं जे जो है 925 का CVT वाला आता है जे का, और VX का CVT जो आता है वो आता है 14,07,000 का, जो कि एक हमें तो महंगा लगता है। तो बस बाकी आपकी क्या राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको कई सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे कि ये गाड़ी आपको जो आपको जिस सेगमेंट में आती है, ये आती है होंडा सिटी को टक्कर देती है, ये देती है ह्युंडई वर्ना को टक्कर देती है, साथ ही साथ मारुति की सियाज को भी ये गाड़ी टक्कर देती है। तो इसको कहते हैं मिड साइज सेडान में टोयोटा की पहली गाड़ी है यारिस इंडियन मार्केट में। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी सबसे पहले आप बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे जो वैल्यू फॉर वेरिएंट मिला इसमें वो मुझे लगता है कि आप इसका वी वेरिएंट जो है वो ले सकते हैं, वी CVT भी ले सकते हैं। हालांकि आपको बेस मॉडल से ही आपको सारे जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं, ऐसा पार्किंग सेंसर्स वगैरह वो कंपनी अवेलेबल कराती है। ये गाड़ी फर्स्ट इन सेगमेंट है, ये गाड़ी फर्स्ट इन सेगमेंट है जो आपको फ्रंट पार्किंग से वो फ्रंट सेंसर्स भी आपको कंपनी गाड़ी ये गाड़ी अवेलेबल कराती है। साथ ही साथ गाड़ी में जो रियर AC वेंट्स है वो टॉप ऑफ द रूफ है, जो थोड़ा सा और दिखता है लेकिन वर्क करने में ये काफ़ी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी में कौन कौन से कलर जो कंपनी टोयोटा इनिशियली जो है बता रही है कौन कौन से कलर गाड़ी में अवेलेबल कराए जा रहे हैं, वो हैं सबसे पहले है उसमें 6 कलर जो हैं वो दिखाए बताए जा रहे हैं कंपनी द्वारा, जो कंपनी दे रही है 6 कलर्स। उसमें से पहला कलर जो है वो ग्रे मेटेलिक है, दूसरा है पर्ल वाइट, तीसरा है पेंटम ब्राउन, चौथा है सिल्वर मेटेलिक, सुपर वाइट और वाइल्ड फायर रेड। ये 6 कलर जो हैं गाड़ी पर काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे जो पर्सनली पसंद आया वो वाइट अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आप वाइल्ड फायर रेड भी ले सकते हैं लेकिन लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी में शायद वो अच्छा ना लगे, लेकिन वाइट और सिल्वर जो हैं वो एक सदाबहार कलर हैं तो आप उन दोनों में से कोई भी कलर जो है अडॉप्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं गाड़ी में जो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दो पॉइंट्स पे मैं यहाँ बात करने वाला। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो लगा वेल इंसुलेटेड केबिन, जो केबिन है उसमें इंजन की नॉइज़ नहीं आती है। साथ ही साथ दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी गाड़ी में वो लगी गाड़ी का जो इंजन है वो इनिशियली पहले से ही जो है वो अच्छा पिकअप लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस पेट्रोल इंजन में। अब बात कर लेते हैं जो अच्छा नहीं लगा गाड़ी में, कई हर गाड़ी के प्रोस और कॉन्स होते हैं, गाड़ी में अच्छाई है तो 100% ये है कि गाड़ी में बुराई आपको देखने को मिलेगी। तो इस गाड़ी में जो है बुराई जो हमें देखने को मिली वो देखने को मिली इंजन नॉइज़ करता है जब हम उसको ज़्यादा रेव करते हैं 3000 RPM 4000 RPM पे तो ज़्यादा आवाज़ करता है। साथ ही साथ अगर आप रियर सीट पे बैठते हैं तो सियाज की तरह इसमें भी आपको रियर सीट में 6 feet से अगर आप बड़े हैं तो आपको जो हेडरूम है जो टाइट फील होता है इस गाड़ी में। बात कर लेते हैं गाड़ी में एक जो चीज़ जो मुझे हमेशा से अच्छी लगी वो है सेफ्टी फीचर जो है वो बेस मॉडल से लेकर टॉप ट्रिम तक है। तो ये जो है गाड़ी के लिए इस गाड़ी के लिए थम्सअप है कि उन्होंने जो है सेफ्टी पे पहले से ध्यान दिया, और साथ ही साथ जो ऑफर कर रहे हैं वो सेफ्टी वो आपको बेस मॉडल से कर रहे हैं। हालांकि टॉप ट्रिम में उन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जो है वो दो फीचर्स हैं वो केवल वो टॉप वाले जो वेरिएंट है उसमें अवेलेबल कराते हैं। तो बस यही था। अब बात कर लेते हैं गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो गाड़ी में फर्स्ट इन सेगमेंट आए, मतलब ना तो वो सिटी में देखने को मिले हैं, ना हमें वरना में देखने को मिले हैं, ना ही हमें सियाज में देखने को मिले हैं। तो कर लेते हैं उन फीचर्स की बात। तो बात करते हैं इसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट पावर ड्राइवर सीट मिलती है जो कि कार को स्पेशल बनाती है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो लगी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आर जो हैं वो फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिले हैं। ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलती है, ये भी आपको मिलती है। और जो पैसेंजर हैं जो रियर वाले हैं बेसिकली आपको क्या होता है दो पैसे अगर वो स्प्लिट वाली सीट होती है तो आपको दो पैसेंजर एक सीट बेल्ट में कर देते हैं, एक अलग सीट बेल्ट में कर देते हैं। तो इसमें तीनों पैसे रियर के तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको तीन सीट बेल्ट के हुक आपको मिलते हैं, मतलब हर एक के लिए इंडिविजुअल है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इस गाड़ी के लिए। कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की बात। गाड़ी के डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी की लेंथ है वो है 4425 mm की,
इसकी विड्थ जो है वो है 1730 mm की और इसकी जो हाइट है वो है 1495 mm की। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर लें जो 2550 mm का व्हील बेस है जो कि हमें लेग रूम में जो बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ गाड़ी का जैसे कि मैंने आपको इंजन्स और पावर और टॉर्क टॉर्क जो बताना भूल गया था मैं, तो टॉर्क जो है इस गाड़ी में वो है 140 न्यूटन का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि आपको 4200 RPM पे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है जैसे कि क्योंकि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और मैनुअल वाले दोनों के वेरिएंट्स में अंतर आता है इसलिए उसका कर्व वेट जो है 1090 से लेकर 1135 kg तक वेरी करता है। गाड़ी के टायर्स की बात कर लूँ, टायर्स की बात करूँ तो उसमें टायर्स जो आते हैं 185/60R15 जो है वो टायर कंपनी अवेलेबल कराती है। साथ ही साथ इसकी 0 to 100 जो किलोमीटर पर आवर जो ट्रैवल करती है वो है 13.1 सेकंड में मैनुअल में जाती है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक में मतलब CVT गियर बॉक्स में ये जाती है 15 सेकंड्स में 0 to 100 ये गाड़ी पहुंच जाती है। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को इग्नोर ना करें और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा फेसबुक वगैरह सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको इंस्टा पे पता चलता रहेगा कि अब अगला वीडियो हमारा कौन सा आना है, तो आप हमें इंस्टा पे तो कम से कम फॉलो करना ना भूलेगा। सो, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो बंद करने से पहले बताना चाहूँगा अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं तो प्लीज़ हेलमेट डालिए, अगर आप 4-व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आप प्लीज़ आप ही नहीं बल्कि 4-व्हीलर में जितने भी लोग हैं सबकी सब सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी चाहे पुरानी हो चाहे ABS और EBD एयरबैग गाड़ी में अवेलेबल हो लेकिन सीट बेल्ट प्लीज़ कंपलसरी से लगाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।